हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल DHR इन्फो। आज के इस वीडियो में मैं आपको सोनी के एक 5.1 होम थिएटर सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ। इसमें एक इशू आ गया है, ये प्रोटेक्टिंग मोड पर स्टक हो गया है। ये प्रोटेक्टर पावर पुश का एरर दे रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आप देखिए कोई भी की इसका वर्क नहीं कर रहा है, इवन वॉल्यूम भी इसका वर्क नहीं कर रहा है। इस वीडियो में आज अपन इसी इशू को देखेंगे कि ये इशू क्यों आया है और ये किस तरीके से सॉल्व हो सकता है। मैं इसको सबसे पहले स्विच ऑफ कर देता हूँ, देन आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इशू सॉल्व हो सकता है। मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप देख सकते हैं ये प्रोटेक्टर मोड पर स्टक है। इस टाइप के इशू के लिए सबसे पहले अपन इसका एक रेजिस्टेंस 3504 चेक करेंगे। वहाँ पर अगर 3.3 वोल्ट 3.1 वोल्ट अगर वहाँ पर आ रहे हैं एंड IC1110 पर अगर 3.3 वोल्ट नहीं आ रहे हैं सो ये इशू एक IC का हो सकता है। तो सबसे पहले IC को चेक करने के लिए इसका हीट सिंक अपने को ओपन करना होगा। मैं फटाफट से इसका जो हीट सिंक है इसको हटा देता हूँ। अगर आप इस तरीके के किसी भी डिवाइस पर काम कर रहे हैं, इस तरीके के किसी भी डिवाइस को अगर आप रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि काम आप बहुत क्लियरली करें, बहुत सफाई से काम करें, क्योंकि कस्टमर का बहुत ज़्यादा कॉस्टली डिवाइस होता है। कस्टमर का कोई लॉस नहीं होना चाहिए इस डिवाइस को रिपेयर करते टाइम। अभी मैं हीट सिंक के तीनों स्क्रू को ओपन कर लेता हूँ, देन मैं हीट सिंक को बाहर निकालूंगा। ध्यान रहे अगर आप हीट सिंक को निकाल रहे हैं तो बहुत आराम से हीट सिंक को बाहर की तरफ निकालिएगा, किसी अदर कंपोनेंट को डैमेज नहीं करना है अपने को। और ये भी आपको ध्यान रखना है, इस हीट सिंक के नीचे आपको ICs मिलेगी, उन ICO को टच ना करें। अभी मैं इसका स्पीकर आउटपुट पोर्ट को भी मैं निकाल देता हूँ ताकि अपन IC1110 को चेक कर पाएँ वहाँ पर वोल्टेज अवेलेबल है या नहीं। अगर वहाँ पर वोल्टेज अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए अपने को एक अल्टरनेट करना होगा। अब मैं हीट सिंक को और स्पीकर आउटपुट सॉकेट को दोनों को मैं निकाल चुका हूं, और ये जो ICs आप देख रहे हैं इनको अपने को टच नहीं करना है। ये जो आप IC देख रहे हैं ये है 1110 IC, और यहाँ जो आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ रेजिस्टेंस कहाँ पर अवेलेबल है। रेजिस्टेंस 3504 अपने को चेक करना है, वहाँ पर 3.3 वोल्ट 3.1 वोल्ट अवेलेबल है या नहीं। अगर वहाँ पर 3.1 या 3.3 वोल्ट अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए अपने को एक अल्टरनेट करना होगा। वो अल्टरनेट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं मीटर की सहायता से इसको चेक करता हूँ कि यहाँ पर 3.3 वोल्ट अवेलेबल है या नहीं। मैंने मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पर सेट कर दिया है। मल्टीमीटर का जो नेगेटिव प्रॉप है उसको मैं बॉडी के साथ ग्राउंड कर रहा हूँ। अभी मैं IC1110 पर मैं 3.3 वोल्ट चेक करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.3 वोल्ट नहीं आ रहे हैं या 3 वोल्ट नहीं आ रहे हैं। वहीं अगर मैं रेजिस्टेंस 3504 पर चेक कर रहा हूँ तो वहाँ पे 3 वोल्ट अवेलेबल है। अब इस सिचुएशन में अपने को करना क्या है, अपने को रेजिस्टेंस 3504 के सेकेंड पॉइंट से, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ से एक जम्पर लेना है जिसे अपने को कनेक्ट करना है IC1110 के फर्स्ट पॉइंट पर। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे अपने को एक जम्पर कनेक्ट करना है रेजिस्टेंस के सेकंड टर्मिनल से, सेकंड पॉइंट से। आप देख सकते हैं मैंने रेजिस्टेंस पे जम्पर वायर जो है वो शोल्ड कर दिया है। अभी मैं इसको IC पे शोल्ड कर देता हूँ इसके फर्स्ट पिन पे। अभी आप देख सकते हैं मैंने जम्पर वायर कनेक्ट कर दिया है। अब टाइम है मैं इसको चेक करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि जो सिस्टम है वो ऑन हो गया है, प्रोटेक्टिंग मोड से ये बाहर आ चुका है। अभी ये सिस्टम ऑन हो चुका है, मैं इसका मोड आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये सही हो गया है, ये वर्क कर रहा है। इसी के साथ आप फ़ैन भी देख सकते हैं, जो सिस्टम का फ़ैन है वो भी रोटेट हो रहा है। मैं इसका ट्रे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, और मैं इसमें आपको एक बार USB भी चला के दिखा देता हूँ, ये वर्क कर रहा है प्रेजेंट में। आप देख सकते हैं मैंने जम्पर वायर यूज़ किया है, उसके बाद से ये वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। ये मेनली IC ख़राब होने की वजह से 3.3 वोल्ट IC1110 तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो रेजिस्टेंस से अपन एक जम्पर लगाकर वहां पे 3.3 वोल्ट देते हैं जिससे ये प्रोटेक्टिंग मोड से बाहर आ जाता है। अभी आप देख सकते हैं इसमें मोड चेंज हो रहे हैं,
मैं आपको एक बार इसका लोडर जो है इसको भी ओपन करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये ओपन हो रहा है। अभी इसमें सीडी जो है वो लोडिंग हो रहा है। आप देख सकते हैं सीडी जो है वो प्ले हो चुका है, तो इसका मतलब ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है अभी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।